आ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिमोट जो फीचर है एक तो बहुत सारे रिमोट हो जाते हैं टीवी का अलग रिमोट टाटा स्काई का अलग फिर उसको कोई और फीचर लगाओ तो उसका अलग Correct. तो एक्चुअली रिमोट पहले तो वर्क कैसे करता है इसके बारे में जानना चाहेंगे जी और और भी कुछ रिमोट के बारे में सो रिमोट बेसिकली जो ट्रेडिशनल रिमोट है सारे इंफ्राइड से चलते हैं इन्फ्राइड uh, का आगे लाइट होता है इनविजिबल लाइट होती है दिखाई नहीं देती हमें सिर्फ तो बेसिकली वो कमांड सेंड करता है की कमांड के कौन सा की दबाया गया एंड आपका जो टीवी है या जो भी डिवाइस है आगे उसको इंटरसेप्ट कर लेता है कि ये कोड रिसीव हुआ है देन वो फिर उसको उस तरह से आपको फीडबैक देता है विजुअल फीडबैक्स तो बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल तरीका है रिमोट का, का काम करने का आजकल तो ब्लूटूथ रिमोट्स आ चुके हैं तो उसके अंदर ब्लूटूथ होता है तो uh, वो सब चीज़ ज़्यादा मात्रा में इन्फ्राइट से भी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि ब्लूटूथ में क्या है कि वॉइस डेटा ज़्यादा जा सकता है तो आपका वॉइस डेटा भी वो ले सकता है जैसे आप रिमोट में बात भी कर सकते हैं वो सेम डेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ के उसको ट्रांसलेट कर सकता है किसी चीज़ में सो काफ़ी सारे फीचर्स आ चुके हैं ब्लूटूथ के आने से रिमोट के अंदर प्रवीण मैं एक कहानी बताना चाहूंगा रिमोट के ऊपर जी जब हम छोटे थे और कलर टीवी आई थी तो हम लोग वीसीआर यूज करने लग गए थे जी। तो एक सीडी क्ला एक ऐसे सीडी आती थी जिसमें टेप होता था और वीसीआर VCR... तो उसमें जब हम कोई मूवी देखते थे उस जमाने में थोड़े से अनसेंसर्ड सीन्स भी आते थे और कोई गाने आ जाते थे जो फैमिली के सामने देख नहीं पाते थे तो हमारे सब में फैमिली में एक छोटी लड़की थी चानी करके मेरी कज़न में थी तो हा उसे बहुत पसंद था जाके वीसीआर को फॉरवर्ड करना तो हमारा ह्यूमन रिमोट था वो <laughs> हम हमेशा उसे बचते अभी जैसे ही गाना आने वाला होता था वो हमारी तरफ़ देख के हंसती थी अभी जाऊँ फॉरवर्ड करूँ तो भाग के जाती थी और वहाँ फॉरवर्ड करने लगे तो रिमोट ने काफी काम अपना आसान कर दिया एटलीस्ट आपके कजिन का तो नहीं किया बट बाकी लोगों का काम तो काफी आसान ही कर दिया तो so, एक्चुअली हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमें टीवी देखते समय उठ के वो बटन बदलना और चैनल बदलना कितना टीडीएस था exactly. जो कि रिमोट ने आसान कर दिया है जो कि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है मतलब एक जमाना था कलर टीवी के बाद भी रिमोट नहीं थे एग्जैक्टली exactly. अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि रिमोट अपने मोबाइल के किसी ऐप में आ सकता है क्या आसानी से अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम केस में बात किया वो सपोर्ट करता है तो फिर आप ब्लूटूथ से वो फीचर यूज कर सकते हो जैसे एंड्रॉयड टी वीज में आ, आपका फ़ोन भी अगर एंड्रॉयड है तो आपके पास एंड्रॉयड टीवी कंट्रोल ऐसा एक ऐप आता है तो आप अपना ऐप से भी आप अपना टी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं जो चीज़ फीचर आप अपने रिमोट में ढूंढते सारे फ़ीचर आप अपने ऐप में भी कर सकते हो तो रिमोट घूम भी जाए या आपको बार बार रिमोट ढूंढने की परेशानी नहीं करनी है तो आप वो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं नॉन स्मार्ट में तो आप खैर नहीं कर सकते और आजकल तो टी के ऊपर बटन्स भी बहुत कम हो चुके हैं जैसे आपने वी का बात की है तो बिना रिमोट के तो आजकल चलता ही नहीं है तो ये तो खैर फैक्ट ही है दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मैं इस टीवी के चैनल्स को सिंक्रोनाइज़ कर सकता हूँ एलेक्सा या, या सीरिन से या किसी और टाइमिंग से वैसे आप कर सकते हैं आजकल कनेक्टेड फीचर्स काफ़ी लोग लॉन्च कर रहे हैं यानी कि स्मार्ट uh, होम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हर एक इक्विपमेंट जो आपके घर में होता है वो वॉइस uh, कंट्रोल हो या सेंट्रलाइज डिसीजन मेकर हो उसका कोई तो जैसे एलेक्सा है एंड गूगल असिस्टेंट है ये दोनों ही uh, जो हैं ये चीज़ कर सकते हैं uh, तो उसके अंदर क्या है वो कमांड रिसीव करते हैं और स्पेसिफिक कमांड हर एक इक्विपमेंट को भेज सकते हैं जैसे एसी आपको बंद चालू करना है तो आप एलेक्सा को बोल सकते हैं टीवी आपको बंद चालू करना है तो आप एलेक्सा को बोल सकते हैं चैनल चेंज कर सकते हैं एक्जैक्टली एलेक्सा को, को बोलिए कि ये चैनल लगाइए और ये चैनल वो टीवी ऑन कर देगा वो चैनल लगा देगा तो वो भी कंट्रोल हो सकता है प्रवीण तो ऐसे मुझे इन डिवाइस से सिंक्रोनाइज करने के लिए टीवी में कौन सा फीचर देखना पड़ेगा खरीदने से पहले सी टी में बेसिकली इट शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन पावर कंट्रोल होना चाहिए किसी स्मार्ट होम ऑटोमेशन से तो पहले पावर की बात कर लेते हैं पावर क्योंकि अगर मैनुअल रखा है आपने टीवी को जब तक आप बटन से चालू करते हैं तब तक अमेजन उसको चालू नहीं कर सकती या फिर अलेक्सा उसको चालू नहीं कर सकती है तो आ, आपको वो होम ऑटोमेशन से शुरू करना पड़ेगा पूरा कहानी होम ऑटोमेशन कर रखा है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली बन चालू हो सकता है तो एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट कैन हेल्प यू वंस अगेन देन आपका जो टीवी है वो लाइन से कनेक्टेड हो तो और भी अच्छा क्योंकि वाईफाई कनेक्ट होने में टीवी को चालू होकर फिर वाईफाई से कनेक्ट होता है फिर इंटरनेट से कनेक्ट होता है लाइन से कनेक्टेड है तो फिर आपका ऑलवेज नेट ऑन ही रहेगा टीवी चालू होने से पहले से ही तो वो एलेक्सा को मालूम है कि ये चैनल ऑटोमेटिकली पहले बूट होते वक्त ही वो उसका चैनल आपका सिंक कर सकता है तो बेसिकली ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली स्मार्ट टीवी होना तो ज़रूरी है एंड्रॉयड या एप्पल टीवी लोगे फायर टीवी स्टिक लोगे तो वो तो मैंडेटरी है तो अब मैं जितना समझाऊँ वो ये है कि आपको अगर आपके टीवी को स्मार्टर और बनाना है स्मार्ट को और स्मार्टर करना है विथ हेल्प ऑफ एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट तो आप उसमें कैट सिक्स वायर जो लाइन वायर है वो ज्वाइन कीजिए जी स्मार्ट टी लीजिए और एक साथ होम ऑटोमेशन कर दीजिए करेक्ट ताकि आपका टीवी और स्मार्ट हो और विविंग एक्सपीरियंस में और मजा आए यस करेक्ट और इसी के साथ हम एंड करते हैं टीवी के बाइंग गाइड के बारे में ये सीरीज़ हमने टोटली सिक्स छोटे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने हर चीज़ कवर की है राइट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ विविंग डिज़ाइन साइज ऑफ़ टीवी पैनल के बारे में बताया है हमने इवन ऑडियो उसके फीचर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और रिमोट तक हमने सारे डिटेल्स में पॉड्स बनाए हुए हैं और इस सब पॉड्स के पहले भी इवोल्यूशन ऑफ टी के बारे में भी हमने एक पूरी एक लंबा पॉड किया हुआ है जिसको भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं टी वी बाई करने के लिए तो तो पक्का देखिए ये और और जानिए और स्टे ट्यून टू अन सो डैट यू अंडरस्टैंड अबाउट मोर डिज़ाइन फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक Items as well as the objects, products in and around you. Subscribe us, stay tuned, and stay blessed. Thank you.